हैव दिस आई मीन कर लो मेरी चेक लग सत्तर हज़ार आ गई मेरी वेबसाइट देखो होती है साइबर सिक्योरिटी इन डेट के वीक 70 आ गई डबल है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है अच्छी सैलरी ली केड़ी कोर्सेज चल गए ज्यादा ही क्या कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इजी तो बहुत ही डिमांड एआई दी तो बहुत चल नमस्कार हरजोत जी देखो ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी सारे चेंजेज आए हैं ये पिछले एक हफ्ता जो है वन वीक हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहा जी। जब डेली कुछ ना कुछ नई अपडेट आ रही है और अभी भी आ रही हैं अगले आने वाले दो तीन दिन बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं पिछले कुछ टाइम से देख रहे थे वीज़ा बहुत कम आ रहा था बच्चों का अब जो आने वाला टाइम हम जो इसका कंक्लूज़न निकालते हैं जी। वो ये है कि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनका वीज़ा नहीं रुकेगा अब जेन्युइन स्टूडेंट्स और जो कैटेगरी उनको वहाँ पे चाहिए जिनके वहाँ पे जॉब में शॉर्टेज है जिसकी स्किल शॉर्टेज है और मेरे ख्याल मेरे हर प्रोग्राम में यूट्यूब में मैंने हमेशा बोला होगा या सोशल मीडिया पर कि इंजीनियर्स का वीज़ा आप रिजेक्शन नहीं देखोगे बहुत कम अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है या कुछ है हेल्थ रिलेटेड नर्सिंग प्रोग्राम्स कंस्ट्रक्शन वाले जितने ये वाले प्रोग्राम्स मैं बता रही हूँ उनमें आपको वीज़ा बहुत अच्छे दिखाई देंगे रिजेक्शंस ज़्यादा मिलेंगे कोई हॉस्पिटैलिटी में जा रहा है या बिजनेस में जा रहा है आर्ट से रिलेटेड अब उनको ले भी बहुत कम रहे हैं तो ऐसे वाले प्रोफाइल्स को रिजेक्शन के चांसेस हैं लेकिन जो प्रोग्राम वहाँ पर डिमांड में है जो शॉर्टेज है उनके वीज़ा नहीं रुकेंगे ऑल दो उन्होंने जो कैपिंग की है वीज़ा जो है पहले दे रहे थे 5,10,000 जो कि उन्होंने 2,50,000 कर दिया है मीन्स हाफ बिल्कुल 50% पे आ गए हैं अब ये देखो 50% में किसके वीज़ा लगेंगे नेचुरल है कि जो बच्चा पहले किसी भी प्रोफाइल के साथ फाइल लगाता था और जिसका जिसको कहने चाहिए कि चलो तुक्का लग गया वीज़ा आ गया लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है अब जो है आप जो हर प्रोग्राम में हम बोलते हैं स्टेम प्रोग्राम्स साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ्स ये उनके रिक्वायरमेंट है जिसमें पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी वो लंबा दे रहे हैं अब आप आ जाइए हेल्थ केयर मैनेजमेंट आप आ जाइए नर्सिंग के लिए और आपके जितने इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी आप शॉर्टेज देखते हैं उन सब में आपको वीज़ा अच्छा मिलने वाला है सेकंड पोस्ट स्टडी वर्क परमिट में वहाँ इंडियंस के लिए कोई चेंज नहीं हुआ जबकि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जैसे बच्चा रिसर्च के लिए जा रहा है उसका 4 ईयर्स का था उसका 3 ईयर का कर दिया मास्टर्स बाय कोर्स वर्क का जो 3 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट था उसको 2 ईयर्स का कर दिया लेकिन इंडियंस के लिए ये खुशखबरी है कि जो हमारी गवर्नमेंट या उनकी गवर्नमेंट में एग्रीमेंट्स हुए थे उसको उन्होंने एंटरटेन किया है और उसको देखते हुए उन्होंने पोस्ट स्टडी वर्क परमिट इंडियंस के लिए कोई चेंज नहीं किया हाँ पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अप्लाई करने की एज में ज़रूर चेंज हुआ है उसके लिए हर बंदा वैसे ही करेगा जो एज 50 ईयर्स तक जो स्टूडेंट्स पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कर सकते थे पढ़ने जाते थे यहाँ से या टूरिस्ट वीज़ा पे जाते थे कोर्स चेंज कर लेते थे मतलब स्टूडेंट वीज़ा पे आते थे फिर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अप्लाई कर लिया लेकिन उसकी एज
50 ईयर्स से कम करके 35 ईयर्स कर दिया है. मीन्स बिफोर 35 ईयर्स यू कैन अप्लाई फॉर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट. लेकिन जो वीज़ा आएंगे और बहुत अच्छे आएंगे अच्छे प्रोग्राम्स के साथ, गैप 1 ईयर से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेंगे प्लस टू के बाद, और ग्रेजुएशन के बाद 3 to 5 ईयर्स का, डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटीज़. बाकी चीज़ें जो हम हर वीडियो में बताते हैं ऑलमोस्ट वही हैं, लेकिन जो अभी चेंजेस हुए हैं वो ये बहुत मेजर चेंजेस हैं जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं, जिसका कि हम सब लोगों की जिस चीज़ पे निगाह थी वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं. और लेकिन सबसे हर वीडियो में मैं कहती थी आर्ट्स वाले बच्चों के लिए प्रॉब्लम है, स्टेट बोर्ड के लिए. तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा का जो ब्रिस्बेन कैंपस है वहाँ से एक अच्छी न्यूज़ आई है कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट मेन फोर, उनके जो मेजर फोर सब्जेक्ट्स हैं उनमें अगर 70% है, या CBSE वाले बच्चों के 65% हैं, IELTS 6.5 नॉट लेस देन 6 है, तो उन बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड में वो जो है वो, क्योंकि वो भी काफ़ी ट्रेंडिंग कोर्स है, डिमांडिंग कोर्स है, तो उसमें एडमिशन मिल सकती है. तो ये चीज़ें कुछ बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं. एंड अच्छे हैं या ख़राब हैं मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन ये ज़रूर है वीज़ा रिड्यूस हुआ है. लेकिन अच्छे बच्चों के लिए वीज़ा एक किस्म से बढ़ गया है, क्योंकि उनके चांसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं. पहले क्या होता था, फाइल रैंडम पे जाती थी, किसी का रिजेक्शन हो रहा है, किसी का आ रहा है, किसी मतलब बहुत हल्के प्रोफाइल का वीज़ा आ गया और बहुत अच्छे बच्चे का रिजेक्ट हो गया, ऐसा भी होता था. लेकिन अब मेरे को ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल स्ट्रीमलाइन कर दी है कुछ चीज़ें. फंड्स एज यूजुअल 3 मंथ्स ओल्ड वो देखेंगे, तो उसमें काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियाँ अगर अंडर ग्रेड स्टूडेंट है या पोस्ट ग्रेड है 1 ईयर की फ़ीस ले लेती हैं, तो उसका सलूशन ये है कि उनको लगता है वीज़ा चांसेस अगर 1 ईयर की फ़ीस दी है तो ज़्यादा, क्योंकि बच्चा कमिटेड स्टूडेंट है. तो अब आपने लिविंग एक्सपेंसेस खाली दिखाने हैं 24,505 खाली, और $2,000 आपके अगर आप एयरफेयर के भी ऐड कर देते हो तो मेरे को लगता है इनकी कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो 16 लाख के आसपास आती है. तो आप 16 लाख का या तो एजुकेशन लोन करवा सकते हो या अपने 3 मंथ्स लिविंग आप शो कर सकते हो. इनकम जो है आपकी 10 लाख से ऊपर होनी चाहिए, जो ये चेंजेस हैं. एंड आई थिंक इट्स इन पॉजिटिव वे स्टूडेंट्स के लिए, आने वाला टाइम अच्छा ही. अच्छा कोर्स किया, वर्ल्ड वाइड PR के पीछे नहीं बचे, आज इतनी अच्छी जॉब कर रहे हैं, तो जितना मर्जी सेटल हो सकते इतनी अच्छी जॉब वाले. तो मैं हुने सर्च कर रही थी, देखो जेड़ा साइबर सिक्योरिटी वाले दी ऑस्ट्रेलिया दी सैलरी है ऑलमोस्ट $170,000 पर ईयर, जेड़ी अभी अपन गल कर रहे हैं एवरेज कर रहे हैं जी, मतलब किसी दी 200,000 है, किसी दी 150,000 है, एवरेज सैलरी जेड़ी 170,000. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थैंक यू.